लिब्राज वेलकम टू हैप्पी आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है सबसे पहले देख लेते हैं कि इस महीने आपका करियर कैसा रहेगा तो उसके लिए हमारे पास है जस्टिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ ऑल राइट ये तो आप ही का कार्य है लिब्रा सो दैट्स अ वेरी गुड साइन आपका करियर इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है इनफैक्ट आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है आप में से जो लोग अभी भी पैसों के लिए किसी और पर डिपेंडेंट थे तो आप इस महीने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनफैक्ट आपकी फाइनेंशियल पोजिशन इतनी इतनी बेहतर होती हुई नजर आ रही है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है कोई और आपसे uh, मॉनिटरी हेल्प चाहता है तो उनकी मदद करते हुए भी आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं कोई इम्पोर्टेंट नौकरी इस महीने आप सिक्योर कर सकते हैं उसका जॉब ऑफ़र प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपको इस महीने आ, मिल सकता है आपको अपनी हिम्मत से काम लेने की बहुत जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ऐसी छोटी मोटी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जहां पर आपको एकदम से समझ में शायद ना आए कि आपके लिए क्या करना ठीक रहेगा क्या नहीं तो वहां पर आपको अपने हौसले को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना है अगर आप लोगों का अपने बिजनेस से रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है वो फैसला आपके हित में आता हुआ नजर आ रहा है जस्टिस कार्ड यहां पर ये भी बता रहा है कि बहुत बखूबी से आप लोग अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इस महीने बैलेंस करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पूरे टाइम सिर्फ काम में ही बिजी रहें आप अपने घर वालों के लिए दोस्तों के लिए भी इक्वली समय निकाल पाएंगे सोशल uh, लाइफ भी आपकी uh, अच्छी चलेगी किसी के साथ पार्टनरशिप में आकर भी आप कोई अच्छा काम इस वक्त कोई नया काम आ, स्टार्ट कर सकते हैं आप में से जो लोग बहुत लंबे समय से अटके हुए किसी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे थे और अगर ये कोई ऐसा एग्जाम है जिससे रिलेटेड यू नो केस वेस भी किया गया था कि क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो चीज यहाँ पर अब आती हुई उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता हुआ भी दिख रहा है ओके okay. अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी लिब्रास और उसके लिए हमारे पास है टेन ऑफ कप्स द मून और टू ऑफ कप्स ऑल राइट तो आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है और वो रिलेशनशिप्स अच्छी चल रही हैं तो वो इस महीने भी अच्छी चलती हुई नजर आएंगी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको कोई वाटर साइन स्कॉर्पियो अप्रोच कर सकता है इस महीने आप आपको प्रपोज कर सकते हैं आपके साथ पार्टनरशिप में आने के बारे में आपको बता सकते हैं और अगर आप लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं अगर आप किसी सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो वहां पर नजर आ रहा है कि ये चीज वो इंसान इस वक्त आपसे छुपा रहे हैं कि वो आपके साथ एक होना चाहते हैं टेन ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स के बीच में ये जो द मून कार्ड निकल कर आया है वो शो करता है कि ये जो कोई भी इंसान है ये इस तरीके का है कि ये बहुत आसानी से आपको नहीं पता चलने देता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या आपसे रिलेटेड उनकी क्या ख्वाहिश है आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे लेकिन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि उनके जो इंटेंशन हैं आपको लेकर वो बहुत प्योर हैं और टेन ऑफ कप्स टू द टू ऑफ कप्स शो करता है कि वो आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं इनफैक्ट आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं बट बहुत डायरेक्टली वो आपको ये सारी चीजें कम्युनिकेट करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं कोई बहुत ही छोटे से जेस्टर के जरिए या बिल्कुल अनरिलेटेड टॉपिक पर एकदम से ये बात छिड़ते हुए उस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं एकदम सामने से आकर वो शायद अपने ये ख्वाहिशें आपके सामने व्यक्त ना करें लेकिन चल उनके दिमाग में फिलहाल और दिल में आपसे रिलेटेड यही सब रहा है ओके okay? अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी हेल्थ कैसी रहेगी तो उसके लिए हमारे पास है टू ऑफ वंस सिक्स ऑफ कप्स और द तो हेल्थ आपकी मोर ऑर लेस अच्छी बनी रहेगी हेल्थ में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिक्स ऑफ कप्स टू द दो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है कि आप अगर कोई दूसरा आपको कुछ सजेस्ट कर भी रहा है आपकी हेल्थ के लिए कि ये चीज ट्राई करके देख लो या वो ट्राई करके कर देख लो तो आप ऐसे एनर्जीज में ऐसे मोड में मत एंटर कर जाना कि आपसे ज्यादा या आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है वो एनर्जीज अपने अंदर मत आने दीजिएगा टू ऑफ ऑन इंडिकेट कर रहा है कि बीच बीच में ऐसे समय आ सकता है जहां पर आप अपनी हेल्थ को शायद निग्लेक्ट कर जाएं तो वो चीज भी मत होने दीजिएगा अदरवाइज ओवरऑल आपकी हेल्थ यहां पर ठीक ही रहेगी लेकिन हाँ अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई कुछ नुस्खा बताता है कोई टिप देता है या कोई यू uh, नो you know, कोई रेमेडी या कोई चीज करने का सजेस्ट करता है तो बिल्कुल आउटराइट उनको मना मत कर दीजिएगा आपको करना है आप करिए नहीं करना है मत करिए लेकिन बिल्कुल भी लीबराज ये घमंड मत छलकने दीजिएगा अपने व्यवहार में कि आपसे बेहतर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई चीजें और कोई नहीं जानता है और राइट अब देख लेते हैं कि ऑर्कल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है हमारे पास तो सबसे पहले है लेट योर सेल्फ रिसीव तो बहुत पैम्पर आपको किया जाएगा इस महीने आपके घर वाले आपके दोस्त आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं बहुत पैम्पर आप किए जाएंगे इस महीने और बिना किसी गिल्ट के आपको बस वो सारी एनर्जीज एंजॉय करनी है आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको लोग बाहर ले जाने के लिए बोल सकते हैं जो कुछ भी है आपको Uh, ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो अब अच्छा अगर अब इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है तो अब फिर आप बैठ के सोचने लगे कि मैं कैसे वो फेवर रिटर्न करूँ कोई फेवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वो अपने मन से अगर आपको ऐसे अच्छा ट्रीट करना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है फिर हमारे पास है यहां पर सीकिंग गुड ये कार्ड कह रहा है कि कई बार ऐसा हो सकता है इस महीने जैसे कि हमने स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी आपको बताया था कि आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ही है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है मैं कोई प्रोग्रेस या ग्रोथ मेरी नहीं हो रही इस तरीके की एनर्जीज रह रह कर आपको परेशान कर सकती हैं और जब कभी भी ऐसा हो तो आपको ये देखना होगा कि आपके सामने जो कुछ भी है वो को इत, कुछ इतना खराब नहीं है अ कम में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बस एक कहने का एग्जाम्पल है हालांकि कम आपके पास किसी भी रूप में कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ हर चीज में अच्छाई देखने की बेसिकली आपको कोशिश इस महीने करनी होगी ताकि आपकी एनर्जीज ताकि आपका हौसला ना टूट पाए फिर हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ तो आपकी हेल्थ जैसे कि मैंने बोला था इस महीने ठीक ही रहेगी उसके अलावा भी ऐसा कुछ आपके साथ इस महीने नहीं होगा जिसको आप ओवरकम ना कर सकें चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो और आप नहीं आप अगर किसी, uh, you know, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली वाले हैं uh, किसी के साथ कुछ भी चल रहा है सब कोई हर कोई सेफ है ठीक है आप और जो भी आपके करीबी लोग हैं सब कोई सेफ है सब प्रोटेक्टेड है किसी के साथ कुछ इतना खराब या इतना गलत नहीं होगा कि वो उससे बाहर निकल कर ना आ सके इसीलिए टेंशन आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है और आखिरी कार्ड यहां पर है फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस कार्ड यहाँ पर बता रहा है पहली चीज तो फादर हीलिंग हमें बताता है कि अगर आपके अपने पिता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है या पिता समान किसी इंसान के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है तो आप उस चीज की ओर काम कर सकते हैं उसके अलावा भी अगर आपने अपने मन में किसी के लिए कोई भी बैर रखा हुआ है कोई ऐसा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिससे आपकी लड़ाई हो रखी है या इनफैक्ट कोई रोमांटिक सिचुएशन में ही कोई इंसान जिससे आप नाराज हैं उन्हें माफ करके आगे बढ़ने का ये समय है ऑल राइट right? किसी के लिए भी कोई भी खराब फीलिंग्स अपने दिल में अपने मन में मत रखिएगा आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते लीब्रास अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। वो सब्सक्राइब बटन भी जरूर हिट करिए कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी आपसे अगली बार मिलती हूँ बाय